नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सवसाहूणं अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है तेने को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति ताते काए को नमाए स्तुति को चारी है धन्य धन्य तुम ही ते काज सब आज भाई करी जोरी बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हमारा स्वाध्याय आदरणीय हुकुमचंद जी भारल जी द्वारा रचित यह 12 भावना एक अनुशीलन नामक पुस्तक पर नामक ग्रंथ पर चल रहा है। कल हमने ये पढ़ा था, कल का हम थोड़ा अगर रिवाइज करें तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि अनुप्रेक्षा अर्थात किसी भी वस्तु का विषय का बारंबार चिंतन करना। फिर आगे चलकर अनुप्रेक्षा, सच्ची अनुप्रेक्षा किसको कहते हैं कि सच्ची अनुप्रेक्षा की डेफिनेशन में दो मेन कीवर्ड्स हमारे आ गए थे, एक था वैराग्य उत्पादक और दूसरा था तत्वपरक। यदि कोई भी चिंतन वैराग्य उत्पादक और तत्वपरक होता है तो हम उसको अनुप्रेक्षा कहते हैं, अन्यथा अनुप्रेक्षा नहीं कहते। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो चिंतन है वह किसी भी वस्तु या फिर विषय के वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए किया जाता है, परंतु यदि जो विषय है जिसके बारे में हमने चिंतन किया यदि वह हमें रुचिकर है तो उस विषय के निर्णय हो जाने के बाद भी उसका चिंतन चल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने ये समझा कि अरुचिकर विषयों का भी चिंतन चल सकता है। फिर हमने ये समझा कि ऐसा जो ऐसे विषय हैं जिनमें हमें ज्यादा रुचि तो नहीं है लेकिन अरुचि भी नहीं है, ऐसे कम रुचिकर विषयों का भी चिंतन चल सकता है। फिर हमने एक पॉइंट ये भी पढ़ा था कि जो विषय हमारे चिंतन का विषय बनते हैं उनका ही विचार सहज ही जीव को चलता रहता है और उनका विचार हमें बुद्धिपूर्वक या फिर बलपूर्वक नहीं करना पड़ता, सहज ही उनका हमें विचार और चिंतन चलता है। हमने एक टाइमलाइन भी पढ़ी थी कि एक टाइमलाइन हमने बनाई थी कि सबसे पहले जिज्ञासा उत्पन्न होती है, फिर रुचि उत्पन्न होती है, फिर चिंतन चलता है, फिर अनुप्रेक्षा होती है और उसके बाद ध्यान होता है। कल क्लास के बाद संयम जी पृथ्वीपुर ने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट मतलब बोला, बताया था मुझे कि उन्होंने ये बोला कि जो अशुभ का चिंतन हुआ, अशुभ उसको तो चिंता कह दिया था जो हमने आखिरी ये लाइन पढ़ी थी बोल्ड वाली, शुभ का चिंतन जो हुआ उसको हम कहेंगे चिंतन और जो शुद्ध का चिंतन हुआ उसको कहेंगे हम ध्यान, क्योंकि शुद्ध भाव में आत्मा में रमणता हो गई तो उसको ध्यान कहेंगे। बीच में हमारा एक विषय हमने ये भी पढ़ा था कि ध्यान और अनुप्रेक्षा में अंतर क्या होता है, तो अनुप्रेक्षा ज्ञान गुण की पर्याय है और जो ध्यान है वह चारित्र गुण की पर्याय है, ऐसा आचार्य अकलंक देव ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं अपने विषय में। कल हमने अंत में ये बोल्ड लाइन पढ़ी थी, चिंता चेतन को दहे चिता दहे निर्जीव, आज हमें उसके आगे से पढ़ना है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। हेलो। हाँ भैया, मुझे एक चीज पूछनी थी। कल आपने जो सम्यक चारित्र का बताया था कि चारित्र मतलब चारित्र गुण का जो समझाया था वो विषय समझ में नहीं आया। अच्छा चलिए, तो पहले अपन वही समझ लेते हैं। मैंने कल ये बताया था कि हमें जो दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीनों गुणों की जैन धर्म में बहुत ज्यादा मतलब अपन जिनागम में जहां भी पढ़ते हैं तो श्रद्धा ज्ञान और चारित्र, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र, जहां तहां हमें श्रद्धा ज्ञान और चारित्र की हमें व्याख्या मिलती है।
तो हमें श्रद्धा तो गुण हमें समझ में आ जाता है कि चलो आत्मा की श्रद्धा करना, आत्मा में अपनापन मानना, तो ये जो मानना है वह हो गया श्रद्धा गुण का काम। दूसरा आ गया ज्ञान, ज्ञान भी हमें पूरा का पूरा क्लियर है कि भाई आत्मा को जानना, किसी भी वस्तु को जानना वह उसका ज्ञानपना कहलाता है, तो सम्यक ज्ञान भी हमें क्लियर है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि आत्मा में रमणता या फिर आत्मा में तल्लीनता, आत्मा में आचरण करना, इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब आचरण अर्थात क्या, कि उस पे चलना या फिर उसमें ही एकदम तल्लीन हो जाना, उसका मतलब एक मतलब भावपूर्ण हमें अर्थ समझ में नहीं आता। एक हमें डेफिनेशन वाइज तो समझ में आ जाता है, डेफिनेशन तो हमें अच्छे से पता है कि आत्मा में रमणता अर्थात सम्यक चारित्र। परंतु जब वह ज्ञान की पर्याय, क्योंकि आत्मा को जानने का मुख्य काम ज्ञान की पर्याय ही कर रही है, ठीक है, तो जब वह ज्ञान की पर्याय, पहले तो विकल्प रूप में ऐसा उसने जाना कि मैं आत्मा हूं, तो इसमें आत्मा तो ज्ञाता हो गया, ज्ञान करने वाला, सॉरी ज्ञान की पर्याय जो हो गई तो वो तो ज्ञान, और दूसरा जो आत्मा उसको उसने जाना तो आत्मा हो गया ज्ञेय। यहाँ पर ज्ञान और ज्ञेय का जो भेद बन रहा है, ये विकल्प में बन रहा है, तो ये तो सम्यक ज्ञान में उन्होंने कह दिया ये सम्यक ज्ञान है। परंतु सम्यक चारित्र में जब यही ज्ञान की पर्याय बारंबार आत्मा को जान रही है, और जब यह ज्ञान और ज्ञेय का विकल्प भी समाप्त हो गया, ऐसा कोई विकल्प बचा ही नहीं, और एकदम इसमें कंटिन्यूटी ज्ञान 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 ज्ञान, अपने भी नेचर को भूलकर मात्र अपने आप को आनंद आत्मा 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 आत्मा, ऐसा श्रद्धा ज्ञान चलने लगा, तो उसको सम्यक चारित्र का, ऐसे कोई अलग से कोई चारित्र नामक गुण नहीं है। उस ज्ञान की कंटिन्यूटी आत्मा में बारंबार उसमें रमणता तल्लीनता, उसको सम्यक चारित्र कहा, और उसके अलावा और कुछ सम्यक चारित्र नहीं है। मेरा कहने का मतलब बस इतना था। तो हमें एक डेफिनेशन हमें पता है कि आचरण, आत्मा में आचरण सम्यक चारित्र है, परंतु आचरण का सही अर्थ यह है कि उस ज्ञान की कंटिन्यूटी को, सम्यक ज्ञान की कंटिन्यूटी को सम्यक चारित्र कहते हैं, इतना है। ठीक है, अब भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली पूछ लीजिएगा। अभी अपन थोड़ा विषय आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आवश्यकता चिंतन और ध्यान के प्रशिक्षण की नहीं, अपितु सम्यक दिशा निर्देश की है, क्योंकि चिंतन और ध्यान तो संगी प्राणी के सहज स्वभाव है। बहुत अच्छी बात लिखी कि यहाँ पर हम जो 12 भावनाओं का स्वाध्याय कर रहे हैं, 12 भावना की जो भारल जी ने पुस्तक लिखी, तो उनका लिखने का उद्देश्य हमें चिंतन करना या फिर ध्यान को सिखाना नहीं है, उन्हें हमें ध्यान और चिंतन करना नहीं सिखाना है, क्योंकि यह चिंतन करना और किसी भी वस्तु का ध्यान करना, यह तो प्रत्येक संगी पंचेंद्रिय जीव जिसके पास मन है उसको आता ही आता है। अब भले ही अभी वो ये बात नहीं कर रहे हैं कि तुम अशुभ का चिंतन कर रहे हो या फिर शुभ का चिंतन कर रहे हो, वो ये बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक संगी पंचेंद्रिय जीव को ध्यान और चिंतन तो चलता ही चलता है, परंतु अब उस जो तो हमारा चिंतन चल रहा है उसको दिशा निर्देश देना है। हमें चलना आता है, लेकिन यहाँ पर काम मुख्य ये है कि सही रास्ता कौन सा है वहां पर तुम्हें चलाना है। तो तुम्हें चिंतन करना या फिर ध्यान करना, उसका प्रशिक्षण देना यहाँ पर उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर उद्देश्य है कि जो हमारा चिंतन है वह इन अनित्यादि भावनाओं में ही लगे और अन्य जो अशुभ भाव है उनमें ना लगे। चिंतन की धारा और ध्यान का ध्येय यदि सम्यक ना हो, स्पष्ट ना हो, तो चिंतन और ध्यान भवताप नाशक ना होकर भव भव भटकाने के हेतु भी बन सकते हैं। अतः चिंतन की धारा का नियमन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो चिंतन की धारा है वो दो धारी तलवार है, तो इसको केयरफुली हैंडल करना। क्यों? क्योंकि चिंतन तो हमें बराबर चल ही रहा है, प्रत्येक संगी पंचेंद्रिय जीव को चल रहा है, लेकिन हम अभी हमारा प्रेजेंट ही देख लें कि यदि हम स्वाध्याय करने भी बैठ रहे हैं तो भी हमारा 10 जगह ध्यान भटक रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि चिंतन तो चल रहा है परंतु कभी अशुभ में लग रहा है, कभी शुभ में लग रहा है। तो उसको एक धारा, चिंतन की जो धारा है उसको कंट्रोल करना, ये यहाँ पर हमें
बारह भावनाओं के चिंतन के द्वारा सीखना है, वही यहाँ पर इस पुस्तक लिखने का उद्देश्य भी है। और हमारा मतलब चिंतन, हम भले ही स्वाध्याय में हो लेकिन हमारा कितना कितना ध्यान भटकता है। संजय भैया एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि मतलब हमें ना, हमें ऐसे भाव करते करते हमें मतलब पापों का इतना जर्नलाइजेशन हो गया है कि हमें लगता ही नहीं कि हम पाप भाव कर रहे हैं। हमें पापों का जर्नलाइजेशन हो गया है, मतलब हम हमारी क्रियाएं, हमारे परिणाम और हमारे अभिप्राय इतने अशुद्ध हो गए हैं, इतने मतलब अशुभ भावों में रमे हुए हैं कि हम पाप करते जाते हैं, करते रहते हैं, परंतु तो भी हमें ये अंदर से नहीं विचार आता कि हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पापों का जर्नलाइजेशन हो गया। ऐसा संजय भैया बहुत कहा करते थे अपनी कक्षाओं में। ठीक है, तो मुख्य बिंदु यहाँ पे ये आया कि चिंतन की धारा का नियमन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। उसको कंट्रोल करना, अपनी चिंतन की धारा को, वह यहाँ पर बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। चिंतन की धारा का सम्यक नियमन ही, नियमन अर्थात कंट्रोल करना ही, बारह भावनाओं का मूल प्रतिपाद्य है। संयोगों की क्षणभंगुरता, विकारों की विपरीतता, स्वभाव की सामर्थ्य एवं स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न पर्यायों की सुखकर्ता और दुर्लभता ही बारह भावनाओं के प्रतिपादन का मूल केंद्र बिंदु है। पांच पॉइंट्स आए यहाँ पर, संयोगों की क्षणभंगुरता, विकारों की विपरीतता, स्वभाव का सामर्थ्य एवं स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न पर्यायों की सुखकर्ता और दुर्लभता, ये पांच पॉइंट्स। तो अगर हम इन्हें बारह भावनाओं को हम इनमें घटित करें तो संयोगों की क्षणभंगुरता में हम अनित्य भावना, अशरण भावना और संसार भावना को गर्भित कर सकते हैं। दूसरा, विकारों की विपरीतता, विकारों की विपरीतता में यदि हम विकार को द्रव्य विकार माने जो शरीर आदि में होते हैं, तो इस प्रकार से इसमें अशुचि भावना हम गर्भित कर सकते हैं। यदि हम विकारों को भाव विकार माने तो हम फिर इसमें आश्रव भावना को गर्भित कर सकते हैं। तीसरा बिंदु, स्वभाव की सामर्थ्य, तो स्वभाव की सामर्थ्य में हम गर्भित करते हैं एकत्व भावना और अन्यत्व भावना को। ऐसा इसलिए क्योंकि एकत्व भावना में मुख्यतः यह विषय आता है कि मैं इस संसार में अकेला हूं और मैं अकेला ही आया था, और मैं अकेला होते हुए भी मैं अन्य रूप नहीं हुआ, तो यह मेरे स्वभाव की सामर्थ्य है। इसलिए स्वभाव की सामर्थ्य में हमने गर्भित किया एकत्व भावना को और अन्यत्व भावना को। फिर चौथा आ जाता है हमारा, स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न पर्यायों की सुखकर्ता। तो इसमें तो सिंपली हम देख सकते हैं कि संवर, निर्जरा और धर्म भावना, ये तीनों स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न पर्याय हैं और इनकी सुखकर्ता। तो ये तीन भावना, संवर, निर्जरा और धर्म भावना, हम इसमें गर्भित कर सकते हैं। स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न पर्यायों की दुर्लभता, इसमें बोधि दुर्लभ है, बोधि दुर्लभ भावना है, उसको हम आसानी से गर्भित कर सकते हैं। ये अलग से शायद उसी के लिए लिखा गया है दुर्लभता। बस यहाँ पर ना, इन पांचों बिंदु में कहीं पर भी हम लोक भावना को गर्भित करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि राइटर मतलब भारल जी ने ये इस ऑब्जेक्टिव से लिखा ही ना हो कि इनमें हम बारह भावनाएं घटाएं। तो लोक भावना को यदि हम ब्रॉडली उसका विषय देखें तो उसमें ये आता है कि जीव भ्रमण करता है पूरे लोक में। तो इस प्रकार से संयोगों की क्षणभंगुरता में हम इसको एक ब्रॉड रूप से हम गर्भित कर सकते हैं, परंतु ठीक है, अगर वो गर्भित नहीं हो रहा है यहाँ पे तो कोई बात नहीं। यहाँ पर चलिए पहले आखिरी लाइन और पढ़ लेते हैं, फिर आगे विचार करेंगे। तो पांच चीजें आई, संयोगों की क्षणभंगुरता, विकारों की विपरीतता, स्वभाव की सामर्थ्य, स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न पर्यायों की सुखकर्ता, स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न पर्यायों की दुर्लभता ही बारह भावनाओं के प्रतिपादन का मूल केंद्र बिंदु है, क्योंकि इस प्रकार का चिंतन ही वैराग्य उत्पादक एवं तत्व परक होने से सम्यक दिशा बोध दे सकता है। ठीक है, तो वैराग्य उत्पादक और तत्व परक, वैसे भी हमारे अनुप्रेक्षा की डेफिनेशन के दो मेन कीवर्ड्स हैं, तो उन्होंने बता दिया कि ये जो पांच पॉइंट्स हैं जिनमें हमने बारह भावनाएं घटित करी, इनमें यही वैराग्य उत्पादक है और तत्व परक है। यहाँ पर एक प्रश्न हमें ये उपस्थित होना चाहिए कि अन्य मतियों के भी जो ग्रंथ हैं, उनमें भी ये अनित्य आदि की बात तो आती है, संयोगों की क्षणभंगुरता की,
सार की क्षणभंगुरता की बात तो आती है, फिर उनकी उनकी अनित्यादि में और हमारे यहाँ के अनित्यादि में अंतर क्या हुआ? हमारे जैन धर्म में जो अनित्यादि भावनाएं बताई उनमें ऐसी क्या विशेषता है जो उनके में नहीं है? तो उत्तर वही है जो पंडित श्री टोडरमल जी ने पांचवें अधिकार में लिखा, जब उनसे ये पूछा गया कि ठीक है साहब, आपने ये बोल दिया कि विश्व किसी ने नहीं बनाया, उसमें आपने ये प्रॉब्लम बता दी, आपने हमारे मत में ये गलतियां बता दी, आपने हमारे शास्त्रों में ये गलतियां बता दी, परंतु हमारे शास्त्रों में भी, टोडरमल जी से किसी ने प्रश्न किया कि हमारे शास्त्रों में भी तो विरागता और दया आदि की बात आती है, आप उनकी बात क्यों नहीं करते हो? तो टोडरमल जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उत्तर दिया कि जिस प्रकार झोल झोल करते हुए, जब जो जो व्यक्ति झोल करता है, मतलब जो गलत जो फेक करेंसी चलाता है, वो फेक करेंसी के साथ उसमें असली करेंसी भी मिलाता है, तब जाके वो झोल करेंसी चलती है, वरना वो झोल करेंसी ऐसे नहीं चल सकती, क्योंकि उसमें असली करेंसी को भी मिलाना जरूरी है। उसी प्रकार आपके शास्त्रों में जो दया आदि की और विरागता आदि की बात आ रही है, परंतु वह सब विषय पोषण के लिए ही आ रही है, इसलिए आपकी दया आदि नहीं है, वह मात्र लंघन है। ऐसा पंडित श्री टोडरमल जी ने पांचवें अधिकार में लिखा। जो अन्य तत्व विचार है उसके ऊपर जो एक पैरा आखिरी पैराग्राफ आता है उसमें उन्होंने ये प्रश्न उठाया था। तो वही बात यहाँ पर भी है कि उनकी जो उनके शास्त्रों में जो अनित्यादि की बात आती है वह मात्र संसार में रुलाने के लिए आती है, परंतु हमारे जैन धर्म की जो अनित्यादि भावना है वो सांसारिक रुचि, संसार शरीर और भोगों से विरक्ति के लिए बताई गई है, इच्छाओं को कम करने के लिए बताई गई है। कोई तो ऐसे भी धर्म है जो इच्छाओं की पूर्ति में ही धर्म बता रहे हैं। इच्छाओं को आप, अगर जो भी आपको इच्छा हो रही है आप उसको समाप्त कर लीजिए तो वही धर्म है। आपने नाम सुना भी होगा रजनीश ओशो का, रजनीश ओशो, और ये अच्छा है कि हमारे ध्यान का विषय चल रहा है। रजनीश ओशो का सबसे पहला आश्रम पूना में खुला था। पूना में उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मेडिटेशन का, ध्यान का उन्होंने आश्रम खोला, जिसमें देश विदेश से पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग आ रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने यूएसए में भी अपना वो खोला था। उनका धर्म में कुछ नहीं था, उनका सिंपल सा कहना ये था कि जहां सारे धर्म डिटैचमेंट सिखा रहे हैं कि मतलब आप संसार से अलग हो जाओ, शरीर को छोड़ दो, भोगों से विरक्त हो जाओ, जहां सारे धर्म ये बता रहे हैं, रजनीश ओशो ने वो ये बोला कि कोई नहीं, संसार शरीर और भोगों से विरक्त होने की जरूरत है नहीं आपको, आपको यदि कोई इच्छा हो रही है आप उसकी पूर्ति कर लीजिए तो आपको सुख हो जाएगा। अब टोडरमल जी ने इसलिए तो ऐसे लिखा कि भाई इतने इनके फॉलोवर्स इतने क्यों दिखते हैं, उनके इतने फॉलोवर्स इसलिए दिखते हैं क्योंकि जीव को ये विषयों में तो आनंद आ ही रहा था और आपने उसी में धर्म बता दिया, तो ऐसे धर्म को कौन फॉलो नहीं करना चाहता। टोडरमल जी से जब ये प्रश्न पूछा गया कि बड़े बड़े राजा आदि भी अन्य मतों में क्यों प्रवर्तन करते दिखाई देते हैं, तब टोडरमल जी ने ये उत्तर दिया कि जब तुम ऐसे धर्म हमें बताओगे जिसमें विषय कषायों का ही पोषण हो रहा है, तो अनादि से तो जीव के यही के संस्कार हैं, इसी इन्हीं चीजों के संस्कार हैं, तो कौन जीव इन सबको छोड़कर धर्म मतलब डिटैचमेंट की तरफ जाएगा? उसको तो और अच्छा लग रहा है कि भाई कोई नहीं संसार में चीजों में ही और कोई धर्म बता रहा है तो अच्छा धर्म है, हमें तो इसी को फॉलो करना चाहिए, इसलिए इनके इतने फॉलोवर्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपन आगे पढ़ते हैं। इस दृष्टि से यदि हम बारह भावनाओं के अत्यधिक प्रचलित एवं कुछ अपवादों को छोड़कर सर्वमान्य क्रम का अध्ययन करें तो सहज ही पाएंगे कि उनमें आरंभ की छह भावनाएं वैराग्य उत्पादक हैं और अंत की छह भावनाएं तत्वपरक हैं। प्रत्येक के क्रम में भी एक सहज विकास दृष्टिगोचर होता है। पहले की छह भावनाएं अर्थात अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और अशुचि भावना, ये तो वैराग्य उत्पादक भावनाएं हैं। फिर अंतिम की छह आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म भावना, ये तत्व परक है। हालांकि ऐसा कंप्लीटली ऐसा कहना कि ये तत्व परक ही है और ये वैराग्य उत्पादक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। परस्पर आश्रव भावना से भी वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, उसमें कोई गलत नहीं है, और अनित्य भावना में भी तत्व परक बात आ सकती है, तो ये साइमल्टेनियस हो सकता है। परंतु मुख्यता की बात, मुख्य रूप से उन्होंने बात कह दी कि पहले की छह भावनाएं वैराग्य उत्पादक है और अंत की जो छह भावनाएं हैं वो
तत्व परक है और इनके क्रम में भी सहज विकास दृष्टिगोचर होता है, वे आगे के पैराग्राफ्स में वो खुद ही एक्सप्लेन करेंगे। इस बात को विस्तार से समझने के लिए 12 भावनाओं के क्रमिक नाम जानने के साथ साथ उनके स्वरूप का सामान्य परिज्ञान भी आवश्यक है। अतः विश्लेषणात्मक अध्ययन के पूर्व उनका सामान्य कथन अपेक्षित है। अब सामान्य कथन वो नीचे कर रहे हैं। 12 भावनाओं के क्रमानुसार नाम इस प्रकार है: अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म। ये टोटल 12 भावनाएं हुई। संसारी जीव के मुख्य रूप से स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा और शरीर का ही संयोग है। इनमें सर्वाधिक नजदीक का संयोगी पदार्थ शरीर ही है। ये बात हम समझ जाते हैं कि जीवों को स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, इन सब संयोगों से तो आराम से भेद विज्ञान हो सकता है। मतलब वो भले ही करता नहीं है, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष ही जीव से भिन्न दिखाई देते हैं, तो इनसे भेद विज्ञान करना काफी सरल है। परंतु एक क्षेत्र अवगाही संबंध जिससे हमारा है, ऐसा शरीर जो हमारा संयोग है, इस शरीर के साथ भेद विज्ञान करना हमें भी और जो फिर बाकी लोग जो है जिनको धर्म का इतना ज्ञान नहीं है उनके लिए तो है ही, उनको ऐसा अपन को ऐसा भेद विज्ञान शरीर से भेद विज्ञान करना ज्यादा कठिन होता है। ठीक है, अनित्य भावना में इनकी अनित्यता, अशरण भावना में इनकी अशरणता तथा संसार भावना में इनकी दुख रूपता व निस्सारता का चिंतन किया जाता है। ठीक है, ये तो सरल विषय। स्वयं में एकत्व और संयोगों से भिन्नत्व का विचार क्रमशः एकत्व और अन्यत्व भावना में होता है। ठीक है, स्व से अभिन्नता और पर से भिन्नता, ये एकत्व और अन्यत्व भावना में मिलता है। संयोगों अर्थात शरीर की मलिनता, पवित्रता का चिंतन ही अशुचि भावना है। मतलब मुख्य रूप से तो इसमें अशुचि भावना में शरीर की ही अशुचिपना बताते हैं, परंतु संयोग संयोगों को भी एज अ जनरल हम संयोगों की अशुचिता, अपवित्रता और मलिनता का डिस्कशन इसमें होता है। आगे इस प्रकार हम देखते हैं कि उक्त भावनाओं के चिंतन का विषय यद्यपि संयोग ही है, तथापि चिंतन की धारा का स्वरूप इस प्रकार है कि संयोगों से विरक्ति हो, अनुरक्ति ना हो। बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी, क्योंकि ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक लाइन है। संजय भैया इसको बहुत बहुत अपने मतलब क्लास में लेते थे। संजय भैया बार बार इस बात को कहते थे कि चाणक्य नीति में ऐसा आया है कि किसी भी वस्तु की अति परिचय, किसी भी वस्तु का अति परिचय रुचि से ज्यादा उसकी अरुचि पैदा कर देता है। हमने देखा भी होगा कि लोग, कई कई लोग ऐसे सालों सालों धर्म से जुड़े होते हैं, लेकिन और वो लोग सालों सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं, समय सार का भारी भारी अध्ययन चल रहा है, प्रवचन सार की गाथाएं रटी हुई है, परंतु तो भी जो एक एक सामान्य से श्रावक के गुण होते हैं कि वो क्रोध ना करे, मान ना करे, ऐसे गुण भी उसमें उत्पन्न नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि किसी भी वस्तु का अति परिचय है ना, वो उसकी रुचि से ज्यादा ना अरुचि पैदा कर देता है। हम किसी व्यक्ति को जब पहले से जानते नहीं है या फिर कम जानते हैं तो हमें उसके बारे में ज्यादा जानने की रुचि होती है, परंतु जैसे ही हम किसी भी व्यक्ति को पूर्णता जान लेते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा जान लेते हैं तो उसके फिर हमें दोष भी ख्याल में आ जाते हैं, उसकी बुराइयां भी ख्याल में आ जाती है, तो फिर उससे रुचि से ज्यादा उस व्यक्ति से हमें अरुचि होने लगती है। तो इसलिए वो बार बार कहते थे कि किसी भी वस्तु का अति परिचय रुचि से ज्यादा अरुचि पैदा कर देता है। इकोनॉमिक्स में भी जो इकोनॉमिक्स के कोई स्टूडेंट होंगे उन्होंने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब आप किसी चीज को भोगते जाइए तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उसका सेटिस्फेक्शन जो हमें उससे मिल रहा था वो गिरने लगेगा, मतलब कम होने लगेगा,
जितना सेटिस्फेक्शन हमें पहले मिल रहा था उतना सेटिस्फेक्शन हमें अब नहीं मिल रहा है, तो उसको कहते थे हम लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। वो भी इसी मनोविज्ञान पे बेस्ड है कि संयोगों से हम बारंबार आपको संयोगों का चिंतन करवाएंगे, हम उनकी अनित्यता बताएंगे, अशरणता बताएंगे, संसार भावना में हम उनकी असारता बताएंगे, तो वहां पर हम बारंबार संयोगों का विचार करेंगे, संयोगों के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से संयोग आपके पास हैं, संयोग आपसे जुड़े हुए हैं, परंतु उनके बारंबार विचार करने का उद्देश्य उनसे अनुरक्ति नहीं है, उनसे विरक्ति कराना है। ये बात हमेशा याद रखना कि अनुरक्ति हमें आपको संयोगों के बारे में नहीं बताना है, हमें संयोगों की अनित्यता, असारता और अशरणता के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इन्होंने इसलिए ये मुख्य ये लाइन डाली कि चिंतन की धारा का स्वरूप इस प्रकार है कि संयोगों से विरक्ति हो, अनुरक्ति नहीं। अतः ये छह भावनाएं मुख्य रूप से वैराग्य उत्पादक हैं। आगे आश्रव, संवर और निर्जरा तो स्पष्ट रूप से तत्वों के नाम हैं, अतः इनका चिंतन सहज ही तत्व परक है। ये तो सिंपली हमें समझ में आ ही रहा है कि आश्रव, संवर और निर्जरा ये तो सात तत्वों में आते ही हैं, तो ये तो तत्व परक है ही है। आगे बोधि, दुर्लभ और धर्म भावना में भी रत्नत्रय आदि धर्मों की चर्चा होने से चिंतन तत्व परक ही रहता है। बोधि दुर्लभ भावना में ज्ञान की दुर्लभता बताएंगे, इसलिए वो तत्व परक है। और धर्म भावना में भी ये धर्म हमें कितनी मुश्किल से मिला है और हमें मानुष जन्म कितनी मुश्किल से मिला है वह हमें बताएंगे, रत्नत्रय धर्म कितना दुर्लभ है वो बताएंगे, तो वो भी तत्व परक है। लोक भावना में लोक की रचना संबंधी विस्तार को गौण करके यदि उसके स्वरूप पर विचार किया जाए तो उसका चिंतन भी निश्चित रूप से तत्व परक ही होगा। लोक भावना में मुख्यतः ये विषय नहीं आता है कि हाँ ये जरूर कहेंगे कि 14 राजू ऊंचा ये लोक है, परंतु और उसके फिर विस्तार में नहीं जाएंगे कि ये ऊर्ध्व लोक 7 का है, फिर अधोलोक इतने का है, मध्य लोक में इतने असंख्यात द्वीप है, ये लोक भावना नहीं है। लोक भावना में मतलब कि सिंपल ये ठीक है 14 राजू उतंगनव लोक पुरुष संठान इतना बताएंगे, परंतु तामे जीव अनादित है भरमत है बिन ज्ञान, ये मुख्य बात बताना है कि इस लोक में अनादि काल से जीव भटक रहा है और कोई लोक का एक कोई ऐसा कोना नहीं रहा जहां पर इसने जन्म धारण नहीं किया, इसलिए अपने जन्म मरण पर रोक लगाओ, ये बात लोक भावना में आएगी। तो ये भी तत्व परक होने से इसको तत्व परक वाले कोटे में यहाँ पे डाल दिया गया। ठीक है, तो आज हमने मुख्य रूप से ये विषय समझा कि कौन कौन सी भावनाएं हैं जो वैराग्य उत्पादक है और कौन कौन सी भावनाएं हैं जो कि तत्व परक है। साथ ही साथ स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा कि यहाँ पर कोई हमें चिंतन करना या फिर ध्यान करना उसके प्रशिक्षण या फिर ध्यान के शिविर नहीं लग रहे हैं, अपितु यहाँ पर तो उस ध्यान को या फिर उस चिंतन की धारा को कंट्रोल करना, नियमन करना और वो मुख्य रूप से अनित्यादि भावनाओं में लगे, उसका यहाँ पर मेन उद्देश्य था। तो वही आज हम सभी ने पढ़ा, बाकी जो आगे का विषय है वो अपन कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या फिर कोई विषय है जो आप और अच्छा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो आप फोरम पर डाल सकते हैं या फिर हम तक व्हाट्सएप पे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिया।